गाइस, इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ सिंध के अंदर और सिंध का एक और इंतहाई खूबसूरत गांव आज आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि हिंदू कम्युनिटी का है और इनका भील कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। तो काफ़ी बड़ा गांव है, यहाँ पे काफ़ी सारे घर हैं। इनका जो रहन सहन है वो मैंने आज आपको दिखाना है। कुछ चीज़ें बहुत ही यूनिक हैं जो शायद मैंने भी नहीं कभी देखी, तो मैं तो आज काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस गाँव को लेकर। मैंने आज आपको इनका लाइफस्टाइल दिखाना है और इनकी कुछ यूनिक चीज़ें आपको दिखानी है। ये लोग यहाँ इस गांव में कितने सालों से रहते हैं, ये तमाम चीज़ें इनसे आज डिस्कस करेंगे, इनका घर देखेंगे, इनका गांव देखेंगे। तो चलिए आज का बहुत ही खूबसूरत इलाका शुरू करते हैं। ये है जी वो गांव जहाँ मैं आया हूँ आज। आप देख सकते हैं कुछ घर वो सामने हैं, ये सारे घर हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं, कुछ ये घर हैं और वो एक पूरी लाइन है उस तरफ ना, वो तमाम जितने भी घर हैं वो भील भाइयों के तमाम घर। तो तमाम घरों के सामने काफ़ी सारी गाय बंधी हुई हैं, उसके अलावा भैंसे हैं, इनके जानवर हैं। मिट्टी से बने हुए घर हैं और कुछ इनकी जो छतें हैं वो लकड़ियों से बनी हुई हैं। तो चलिए मैं आपको मज़ीद इनके घर दिखाता हूँ और इनके जानवर दिखाता हूँ। थर के अंदर और सिंध में इस तरह की गायें आती हैं सारी। चाचा नालो तवजो मालो है मालो जी आओ। अच्छा हिता ही जो कि तवजी वस्ती है, ये घने साल का है? इतने घट में घट 80 साल जी आए। 80 साल जी आओ। अच्छा असांजी बनी मुझो डाडो जेल इतना हो तमाके याद है? अच्छा ये घणन साल पहले जी गाल है? हाँ 80 साल माने इसाक सोबेदार मुझो डाडो। हाँ बाकी इनजा पुट जके हन ई नंदा हुआ। अच्छा हाँ मुझे कारोबार हुन जो मुझे पी ठीक है ते ना। हाँ ई नंदा हुआ। हाँ हाँ अच्छा तमाचे घणा पुट हन? मुझा चार पुटा। चार सारन जी शादी थी? हां थी परना लग सब। अच्छा हां सही सही। ते तमा ही ता हारी है इने बनी दे? हारी है। ए के जी बनी है? ही बनी आए माने सईद डॉक्टर। डॉक्टर सईद जी बनी है जी। अच्छा इनका अलावा भी तमा जी को बनी है जी? ता तमा बयान एडा उतर पा ना हारी। हां ई खुशी जी आए दे वाटर से बे। हां हां पते है खुशी। अच्छा अच्छा इने में पहाड़ी मुझा भाटिया। अच्छा चाचा हाने मुखे ई बतायो तमा घने 80 सालन का पहरे किथा बैठा है? सही असी असा जे गोठ में बैठा हूं डिप्ले का परिया गोठ जो नालो आ जगावेरी। अच्छा हां उते थर में। अच्छा अच्छा इंडिया के बॉर्डर। हां हां ओ ए, इंडिया जे बॉर्डर जे जी। आओ नाल है? हां अच्छा अच्छा ठीक। ते ओ जे को तो जवान जी गोठ आज भी आए उता जी? आओ आए उता ते असन पंजो बन्यो पन। अच्छा पंजो बनी छड़ के इते अची गए? हां ना उते बयान बया छोकरा बरादरी आए। अच्छा हाने बैठा है? घणा घर है उता? उते घट में घट 500 घर असा जो है हाने भी आए है। हाँ अच्छा ये इस बस्ती का पहला घर है, यहाँ से मैं जहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ। ये सबसे पहला घर है, इसी तरह से बरामदा बनाया उन्होंने लकड़ी और छप्पर वगैरह से ना चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें देहातों से लेके आते हैं, फिर वो टंडे वगैरह खड़े करके इस तरह से ये लोग फिर अपना घर बनाते हैं। तो कुछ मिट्टी इस्तेमाल होती है इसके अंदर, कुछ मिट्टी वाली ईंट इस्तेमाल होती है। ये इनके टेम्परेरी ठिकाने होते हैं क्योंकि इन्होंने अक्सर मूव करना होता है किसी और ज़िम्मेदार के पास, लेकिन ये बता रहे हैं दादाजी कि 80 साल से ये लोग यहीं पे रहते हैं। तो ये बच्चे हैं छोटे छोटे। क्या नाम है बेटा आपका? करमचंद। तुम जो मुकेश तुझे नाला छा छोरा हैं? धमशान। यहाँ पे इन्होंने अपनी बकरियाँ वगैरह बांधी हुई हैं, बस इनका जो झोंपड़ा है या इनका जो शेड है वो भी बनाया उन्होंने लकड़ी के साथ। एक घर ये भी है, ये भी इसी तरह से लकड़ी और मिट्टी से बना हुआ है। ये देखें ये बड़े बड़े सिंगों वाली जो गाय होती है ना, ये थर और सिंध के अंदर ज़्यादा देखी जाती है। आपने चोलिस्तान वाली भी गाय देखी होंगी, उनके सिंग नहीं होते बिल्कुल, लेकिन ये जो थर वाली जो गाय होती है ना वो इस तरह की होती है। ये गाय का बच्चा जो यहाँ पे गन्ना होता है ना, उस गन्ने के पत्ते या गन्ने के पन, सिंधी में पन बोलते हैं, ये लेके आते हैं, इसका चारा काटते हैं या इसको जो है ना वैसे ही अपनी गाय या जो इनके जानवर हैं दूध वगैरह के लिए जो पालते हैं तो उसको ये चारा खिलाते हैं। ये देखें ये भी एक लकड़ी से बना हुआ झोपड़ा है।
ये इनका कुकिंग एरिया है, यहाँ पे दूध वगैरह गर्म हो रहा है। ये देखें एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा बच्चा ना मच्छरदानी के अंदर सो रहा है, आपको दिखाते हैं। बच्चा देखें कितने क्यूट है माशाल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? गंगू नाम है वो। अच्छा अच्छा, ये क्या कर रहे हैं भाई आप? बना रहा हूँ टंकी। टंकी? अच्छा अच्छा, स्प्रे वाली टंकी है ना ये, ऑयल डाल रहे हैं इसको। सही, ये झूला है बच्चे को सुलाने के लिए पहला ना, इसके अंदर बच्चा सुलाते हैं। शाम का वक्त है ना, तो यहाँ के जो लोग हैं वो अक्सर लोग जो है वो अपने खेतों में गए हुए हैं काम करने, स्प्रे वगैरह का सीज़न चल रहा है आजकल। ख़वातीन जो है वो अपने घर की काम काज में बिज़ी हो गई हैं सब। तो ये भी देखें कितना खूबसूरत एक घर है, चरपाइयाँ सारी बाहर निकल चुकी हैं, शाम के वक्त लोग इसी तरह सेन में सोते हैं, मच्छरदानी भी यूज़ करते हैं, इस एरिया में मच्छर बहुत ज़्यादा है। तो ये इंटरेस्ट भी देखें कितनी ज़बरदस्त है। चोलिस्तान के बाद जो है ना ये पहला घर है जो डिज़ाइन वाला है। चोलिस्तान में जाते हैं ना हम लोग अक्सर, तो इस तरह के खूबसूरत डिज़ाइन बने होते हैं घरों के सामने। तो ये क्या चाचा जी? ये बारी है, मच्छर। अच्छा अच्छा, मच्छरदानी है। ठीक ठीक, मच्छर से बचने के लिए। तो गाइस ये देखें कच्चा घर है, मड से बना हुआ, डिज़ाइन देखें कितना ज़बरदस्त। ये डिज़ाइन कौन बनाता है? ये कटिया है। अच्छा, औरतें बनाती हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, ये देखें गाइस इनके जानवरों के घास, इस तरह से ये लोग फिर इकट्ठा करके अपना घास लेके आते हैं और अपना जानवरों को डालते हैं। हर घर में आपको मच्छरदानी ज़रूर नज़र आएगी, इन घरों में जो है ना मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ बर्तन जो है ना यहाँ की ख़वातीन ने धो के रखे हुए हैं, देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से धोए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे नए हैं बिल्कुल बर्तन, ऐसे धो के रखते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे ना हमें देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये हमारी जो ज़मीन है ना यहाँ पे बनी बदीन के अंदर, उनके बिल्कुल साथ ये एक गांव है, एक बस्ती है, तो वहाँ पे मैं ये मौजूद हूँ। और बच्चों की काफ़ी रौनक लग चुकी है, बच्चे हमें देखने आए हैं अभी, ये अंकल लोग जो है ना कैमरा उठा के क्या कर रहे हैं। एक और ये भी घर है, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं घरों में, तो हर घर का अपना अलग दूध एक एरिया है, तो उसके अंदर ये लोग आबाद हैं। ये बता रहे हैं कि डिप्लो एक एरिया है थर के अंदर, वहाँ से इनका ताल्लुक है, वहाँ से ये 80 साल पहले ये यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और 80 साल से ये लोग यहीं पे रहते हैं। अम्मा आऊँ आया हुआ है तो कड़ा हाल है, तबीयत ठीक है तमा जी? अच्छा है। सही गल, सही गल। हाँ चंगो बोलो, तमा जो नॉलेज है रत्ना माई। अच्छा अच्छा, इस बनी में ये जो हिंदू कम्युनिटी और जो हमारे भील भाई है ना, ये इस गांव में रहते हैं और यहाँ पे ये फसलें वगैरह संभालते हैं। आप देख सकते हैं ये टमाटर की फसल है और इस पर स्प्रे की जा रही है, काफ़ी मुनाफा बख्श जो आजकल जो है ना टमाटर की फसल है, एक एकड़ से कई कई लाख रुपए की फसल होती है। यहाँ पे हमारे इस एरिया के अंदर तकरीबन 30,000 से 40,000 पर एकड़ का जो है ठेका चल रहा है यहाँ पे, और ज़मीनों की जो पैदावार बहुत अच्छी है इस एरिया के अंदर। हमारी यहाँ पे ज़मीनें वो हमने सारी तकरीबन काश ठेके पे दी हुई हैं। बाबा छा प्यो करें इता? गुड कदम पे बसर जी। अच्छा बसर है। हाँ। दादाजी कह रहे हैं जी कि मैं यहाँ पे ना प्याज को गोडी दे रहा हूँ। हाँ। तो जो कचरा मचरा होता है ना इस प्याज की फसल के अंदर, तो उसे वो निकाल रहे हैं, तो देखते हैं कैसे गोडी करते हैं। दादाजी हमें जरा करके दिखाओ ना, कैसे करोगे? हाँ करके दिखाओ। तमाम जो नाला तो बुधाए मुखे मालो मालो मालो। ये जो है ना दादाजी इस तरीके से गोडी कर रहे हैं और जो कचरा वगैरह ना वो निकाल रहे हैं। इनका नाम मालो है। आप दादाजी आप भील हो ना? भील भील है। दादाजी जो है ना भील कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है।